सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं द फ्रंट। सीबीआई को आज कोर्ट से फटकार लगी है। जी हां, 30,000 कोर्ट ने सीबीआई को आज ढंग से लताड़ा है और बेहद सख्त टिप्पणियां की हैं। ये सब कुछ हुआ है उन्नाव रेप केस के मामले में। उन्नाव रेप केस के मामले में आज 30,000 कोर्ट ने पीड़िता को न्याय देते हुए आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर को सजा सुनाई है और उनको इस पूरे मामले में, रेप के मामले में, दोषी माना है। हालांकि सजा का ऐलान जो है वो 18 तारीख को होना है। आज कोर्ट ने कुलदीप सेंगर के ऊपर लगे आरोपों में से बलात्कार, अपहरण और पॉस्को की धारा 5C और 6 के तहत दोषी माना और ये साफ साफ कहा कि इस मामले में कई तरह की और जांच एजेंसियों से गड़बड़ियां हुई हैं। आपको बता दें, हमारे पास कोर्ट के दस्तावेज हैं, एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स हैं द फ्रंट के पास, जिसमें आप साफ तौर से ये देख सकते हैं कि कोर्ट ने कितनी सख्त टिप्पणी करते हुए क्या कहा है। जी हाँ, इस डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हैं कोर्ट ने साफ तौर से ये कहा है कि इसको देखने से ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं हुई, पुरुषवादी सोच आवी रही और इसी वजह से मानवीय आधार पर और मानवीय और संवेदनशील नजरिए का अभाव दिखता है और इसी वजह से पीड़ित पक्ष की बात निष्पक्ष तरीके से नहीं सुनी गई है। ये साफ साफ इस जांच को समझ करके कोर्ट को लगता है और इसी वजह से ये बड़ी सख्त टिप्पणी कोर्ट के द्वारा की गई है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि इस तरह की घटनाओं से, इस पूरे मामले को देख करके साफ तौर से ये लगता है कि दूर दराज और सुदूर इलाकों की जो लड़कियां हैं वो किस तरीके की नरकीय जीवन शर्म से काटती हैं, क्योंकि जब सिस्टम के सामने वो जाती हैं या कोई उनके साथ इस तरह की बात होती है तो सिस्टम में उनकी सुनवाई किस तरीके से नहीं होती है, देर होती है और उनकी बात नहीं सुनी जाती और इसी वजह से लड़कियां कई बार शर्म से नरकीय जीवन जीने को मजबूर हो जाती हैं। कोर्ट की ये टिप्पणी को अगर आप इस तरीके से देखें तो बहुत ही बेहद सख्त टिप्पणी ये मानी जाएगी। कोर्ट ने साफ तौर पे ये कहा है जांच एजेंसियों को कि जितनी जांच एजेंसियां इस मामले के तफ्तीश में लगी, इस मामले की जांच की, उन पर पुरुषवादी सोच हावी रही और उनके अंदर संवेदनशीलता और निष्पक्षता का अभाव रहा। लेकिन फिर भी उन्नाव केस की इस पीड़िता को आज 3 साल के बाद न्याय मिल गया। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 2017 में ये रेप का मामला आया था, उसके बाद आरोपी जो विधायक हैं कुलदीप सेंगर के खिलाफ FIR दर्ज होने में और कुलदीप सेंगर के खिलाफ आरोप लगने में लंबा वक्त लग गया, लगभग 6-8 महीने लगे। उसके बाद 2018 में कुलदीप सेंगर के खिलाफ मामला दर्ज हो पाया था। उसके बाद भी कई तरह की चीज़ें हुई हैं। पीड़िता के पिता की कस्टडियल डेथ हो गई, उसकी चाची और मौसी की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई, उसका भी आरोप कुलदीप सेंगर पर है और ये मामला भी एक अलग है, जो एक मुकदमा इस मामले में चल रहा है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन किया और सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरा केस लखनऊ से ट्रांसफ़र करके दिल्ली दिया और ये कहा कि इसकी डे बाय डे बेसिस पे सुनवाई हो, तब 5 अगस्त के बाद, 5 अगस्त को ये केस ट्रांसफ़र हुआ था और अगर वर्किंग डेज के लिहाज से देखें तो 45 दिन के अंदर ये पूरी सुनवाई पूरी हुई है और आज कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को उन्नाव रेप के मामले में दोषी ठहराया है। लेकिन एक बार फिर आपको ये जानना जरूरी है कि इस पूरे मामले में जिस तरीके की जांच एजेंसियों का रवैया रहा उस पर कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है और सख्त आदेश दिए हैं और हिदायत दी है और फटकार लगाई है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।